रोवाई से बात के है पे है कि उसने हमारे किसानों को आतंकवादी कहा, उसकी हम यहां से भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और हम ये जो भी साथी मेरी आवाज सुन रहे हैं कृपया करके बैठ जाए। साथियों से अपील है बैठ जाए और शांति बनाए रखे। ये रखना जरूरी है मेरी नौजवान साथियों से, इन्हें नारे लगाने में हम रजा देंगे, इसमें कोई सरकारी बात नहीं है, मगर शांति तो रखिए आप, दूसरे की बात सुनिए तो मेरी कह रहे थे भी ये तो आतंकवादी हैं, वो है भी तेरे बरन आ रहे हैं, तू आ जा ये बता दे कौन सा आतंकवादी है, तू नाम दर देख का भी इतने हजारों की संख्या हमारे एक आदमी को उंगली रख दे आतंकवादी, आतंकवादी नहीं हम अन्नदाता हैं, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो तीन अध्यादेश भारत के हैं कोरोना की आड़ में, कोई भी कानून करने से पहले सबकी राय होती है, इसी क्या जल्दीबाजी थी एकदम अध्यादेश लगा कर इनको कानून बना दिया, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है ये एजेंट है अडानी अंबानी का, ये प्रधानमंत्री नहीं है, आज किसान का अन्नदाता भूख हड़ताल पे बैठा है सभी स्टेजों पर, और वो अडानी का पोता हो गया, उड़ा गूंद पंजीरी लेकर पहुंच गया, किसान जरूरी है क्या, अडानी की जरूरी है, अडानी का पोता जरूरी है, बताओ। तो कहीं ना कहीं बयानों को लेकर भी जो लीला राम विधायक उसके खिलाफ रोष है, लीला राम जी को तो हमेशा गैर राज
जाति पाति की राजनीति की है। आपने पीछे देखा होगा सर छोटूराम की नाट तड़वान में मेन भूमिका निभाई, कितना गंदा भाषण दिया था अपना चंदाना गेट पे। ये ऐसे ही करता है, इसको बस इसको वोट बन जाओ। और इस पर कोई जो सेने ने वोट दे रखे नहीं, जितने विधायक बनाए उनके पास जाता है और छोटे भाई बड़े भाई यूँ कर दूंगा फिर कह देगा चलती को नहीं चलती तो कहते किले बना रहा और सैकड़ों किले बनाया गया। सन सिटी में 5 करोड़ की कोठी पा दी, नहीं चलती करता है कि तेरे भाई बैठे नहीं बेचारे डर में। तो क्या आज विधायक बाहर मिलने आए? विधायक तो आए थे आज, भाई मिलने कौन सा गुरुवाद दिए मर्द बता। तो बाहर निकले, बाहर तो निकला गया, सच्चा आदमी निकलेगा बाहर। तो राज्य मंत्री का भी गिराव, उसके हमेशा का गिराव किया जाएगा? बेचारी मंत्री है वो, राज्य मंत्री नहीं बेचारी मंत्री, हमारे बाग घुट गया, हमने बना दी नहीं बड़क भी हलेगी, किस किस के बड़क भी आवा, ये उसके भी जावांगे, उसका भी गोटन हुआ काम है। लगातार जिस तरह से जो बॉर्डर पर किसानों की शहादत दे रहे हैं, 42 किसानों की मौत हो चुकी है अब तक इसी क्रम में, क्या सरकार रुकने रही, क्या आगे क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए आप दिल्ली जाकर देखो, हमने पक्के शेड पा दिए, पक्के शेड पा दिए, 6 महीने लागो साल लागो। और अब की बात 26 जनवरी पे किसान ही झंडा लहराएंगे, चाय वाला को झंडा के पास लगने देंगे। 4 जनवरी को फैसला नहीं आया कोई किसानों के पक्ष में, तो आगे और भी बड़ा आंदोलन जा सकता है? नहीं पक्ष आएगा तो ठीक है, हम कौन से उड़े वैसे थोड़े बैठे हैं, अगर समस्या का हल कर दिया तो हम धन्यवाद भी करके आ जाएंगे, हमारी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं किसी। होशियार जी, मुख्यमंत्री ने प्रगति की किसानों को सम्मानित किया और उनको ये कहा कि आप इस कृषि कानूनों को लेकर किसानों को समझाएं, जो किसान भ्रमित होकर इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं उनको समझाने का काम करें। प्रगतिशील किसान हमारा गांव का गुरु राम ट्रैक्टर लेकर आवे, इनका दौड़ है और खाद गेड़ा है, आज ये एक बार न्यू तो बता दो कौन सा ऑर्गेनिक पड़ता हो, पूरा खाद गेड़ा है, मैं अपना सम्मानित कर दिया हमने सबने मेरा, जो इनका संघ है जो इनकी पार्टी के आदमी वो इनका ट्रैक्टर भी लेकर हुआ है, वह ऑर्गेनिक किसान बना दिए, ऐसा कुछ नहीं हमारा काम का जी, मैं बता दूंगा हमारा द्वारा खेत है, कितने खाद के गट्टे गेड़ रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा गेड़ा हो और तो जगह 4 गेड़े जो 6 गेड़ा है। ये घेराव जो किया जा रहा है मुख्य रूप से, ये जो लीला राम जी है और बलेश डांडा को भी जाएंगे आज, मुख्य रूप से खेती बचाओ देश बचाओ हमने संघर्ष समिति बनाई हुई है, ये उसकी तरफ से ये घेराव किया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद ये है, बीजेपी की जो लोग हैं उनको सिखाए ये जाते हैं, उनका कल्चर ही है ये, वो निकम्मापन है उनका, वो भद्दी जो है उनकी आवाज़ में बोलते हैं, हमारा जो एजिटेशन जो किसानों का चला हुआ है उनको आतंकवादी बताते हैं, उग्रवादी बताते हैं, और इससे पहले भी उन्होंने एक समुदाय पर गलत टिप्पणी की थी, इसलिए इनका व्यवहार ही ऐसा, इसलिए हम इनको आगाह करने आए हैं कि आपने जो वो शब्द कहें वो आपने शब्द वापस ले, अन्यथा आपका विरोध ये जारी रहेगा, मुख्य रूप से हमारा ये मतलब है। लीला राम मिलने आए बाहर निकले? नहीं, लीला राम जी मिलने नहीं आए, हमें लगता है कि वो डर के मारे, चोर होता है ना जो उसके अंदर डर होता है इसलिए वो बाहर नहीं आता कभी भी, जबकि हम शांति प्रिय लोग हैं, हम संगठित लोग हैं, हम अपनी बात कहने के लिए आए हैं, हम अहिंसावादी लोग हैं, हम अगर वैसे ही बात करें फिर उनमें हमारे में अंतर क्या होगा, तो मुख्य रूप से हम ये बात कहना।